हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू नबीलास प्लानेट। सो फ्रेंड्स, ये मेरे मायके आने के बाद का व्लॉग है। मैं आ गई हूँ मुंबई और वहाँ पर जो है ज़्यादा मौका नहीं मिल पाया शूट करने का। मैंने सोचा था कि बहुत सारी चीज़ें शूट करूँगी, बट वहाँ पर ना ऐसा हुआ ही नहीं, मौका ही नहीं लगा कि मैं शूट कर पाऊँ। बहुत बिज़ी टाइम जा रहा था, तो इसीलिए वहाँ के ज़्यादा जो है मैंने व्लॉग्स नहीं बनाए। एक ही मैंने बनाया था, अगर वो नहीं देखा है आपने तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। और यहाँ पर ना मैं नेक्स्ट डे आ गई थी बच्चों के ओपन हाउस के लिए। यहाँ पर जो इनका एग्ज़ाम्स वगैरह हो गए थे, तो बस इसीलिए हम जो है स्कूल आए थे ओपन हाउस में। और बच्चों के काफ़ी अच्छे जो है मार्क्स वगैरह मिले, दोनों को ही अच्छा रिमार्क था। दोनों की टीचर ने माशाल्लाह दोनों को अच्छा कहा। बस थोड़ा सा एक दो जो एब्सेंट्स हो गया ना, उसके लिए कह रहे थे कि थोड़ा एब्सेंट्स कम करना है। बाकी ऐसे जो है ओवरऑल उनका स्कोर वगैरह दोनों का माशाल्लाह अच्छा आया है। अशास का ज़्यादा अच्छा स्कोर हुआ है। टीचर कह रही थी कि माशाल्लाह बहुत अच्छे से जो है वो कॉन्सेंट्रेट करता है, बहुत जल्दी चीज़ें ग्रास्प कर लेता है माशाल्लाह से। और यहाँ पे कुछ स्टॉल्स वगैरह रखे हुए थे, बुक्स वगैरह के, टॉयज़ वगैरह थे। तो यहाँ पर हमारा जो है ओपन हाउस हो गया था। और अभी हम ना जा रहे हैं मटन लेने के लिए। हस्बैंड जो है काफ़ी टाइम से मटन नहीं खाए थे, तो वो हमने यहाँ से ले लिया मटन। फिर उसके बाद जो है हम चले गए थे स्पोर्ट्स की शॉप पर। तो यहाँ से बच्चों को ना स्विमिंग के ग्लासेस चाहिए थे, तो वो हमने यहाँ से ले लिए हैं। और एक दो शॉर्ट्स वगैरह चाहिए थे स्विमिंग के, तो वो हमने यहाँ से ले लिया। तो काफ़ी अच्छी ये स्पोर्ट्स की शॉप थी, काफ़ी सारे ऑप्शन थे और काफ़ी रीज़नेबल रेट्स में हमको जो है वो स्विमिंग ग्लासेस मिल गए दोनों के लिए। हमने एक एक पहले भी था एक्चुअली, बट वो टूट गया। बच्चे है ना कहीं से तोड़ देते, खींच देते, और एक तो अशास का खो ही गया था। तो यहाँ से हमने ना जो भी हमको चीज़ें लेनी थी यहाँ पे ना, अशास जो है मुझसे बातें कर रहा है कि टीचर ने ऐसे कहा। मैंने वही इसको बता रही थी कहाँ पे तुमने मिस्टेक करी है छोटी मोटी, तो वो चीज़ें अब नहीं करनी है रिपीट नेक्स्ट टाइम के लिए। जो फर्स्ट टाइम एक्चुअली उसका एग्ज़ाम हुआ और फर्स्ट टाइम जो है उसको स्कोर्स मिले हैं, अदरवाइज़ जो है बस सरप्राइज है। स्कूल में होते थे सीनियर तक की कोई भी एग्ज़ाम सिस्टम नहीं था इनका, तो इस फर्स्ट टाइम था इसका जो एग्ज़ाम हुआ। फिर उसके बाद ना हमारे पास टाइम था, तो यहाँ पर ना कुछ कुछ चीज़ें, अभी भी शादी तो अभी हुई नहीं है, टाइम है शादी में, तो कुछ ना कुछ शादी तक तो लगा ही रहेगा लेना। तो यहाँ पर बस हम थोड़ा सा यहाँ के भी मार्केट आ गए थे देखने के लिए कि क्या चीज़ें मिलती हैं। तो बट मैंने मेरे लिए तो नहीं लिया, बच्चों के लिए ख़ास देखने के लिए आए थे। मैंने बस विंडो शॉपिंग करी कि देख रही थी कि कैसी चीज़ें हैं यहाँ पर। बच्चे जो है बिल्कुल जाने दिए ही नहीं, बोलने लगे नहीं हम नहीं जाएंगे। फिर यहाँ पर बच्चे जो है थोड़ा सा थक गए थे, तो बोले कुछ जूस वगैरह ले लेते हैं। तो बस यहाँ से जो है मैंने बच्चों के लिए कुछ जूसेस ले लिए थे। बच्चों के लिए ना बड़ा मुश्किल हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है किस टाइप का ले, कैसा ले। जो मिल रहा है पसंद आ रहा है उसमें साइज़ का इशू हो जा रहा है, कुछ के कलर्स नहीं पसंद आ रहे हैं। तो इनके पास भी काफ़ी अच्छे ऑप्शंस थे और उनके पास भी कलेक्शन आने वाला है। तो इस टाइप के कुछ जो है यहाँ पर कोट सूट्स थे ब्लेज़र के साथ में, 5 पीसेस होते हैं अंदर में, जैकेट, शर्ट, टाई और पैंट होगा ऊपर से जो है इस तरह की जैकेट थी। तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा अशास के लिए, बट ना उसके थोड़ी फ़िटिंग जो है ना थोड़ी सी लूज़ आ रही थी, तो वो जो है ना फिर मैंने जो है कैंसिल कर दिया। क्योंकि अब कैसे फ़िटिंग अच्छी आएगी ना, कट्स नहीं आया ठीक से, और पैंट भी ना इसकी मैंने ट्राई की तो वो भी टाइट थी। तो यहाँ पर बस हम थोड़ा देख रहे थे किस टाइप का इनके पास भी कलेक्शन है, तो अच्छा लगा हमको। देखते हैं लेते हैं या नहीं लेते हैं, अभी तो हमने सिर्फ जो है देख कर आए हैं अशास के लिए। हादी के लिए इतना ज़्यादा ऑप्शन नहीं था, तो हमने सोच रहे कि दोनों का एक जैसा ही हो तो अच्छा है। वहाँ से आने के बाद हमने काफ़ी टाइम वहाँ पर स्पेंड किया स्कूल। फिर आने के बाद जो है हस्बैंड को चाय चाहिए थी, तो मैं इनके लिए यहाँ पर चाय बना लूँगी सबसे पहले। और ये हम जो है मॉर्निंग में ही गए थे सुबह सुबह जल्दी, तो काफ़ी टाइम था हमारे पास। और खाना जो है ना मैं कल का रखा हुआ था वही हम खाने वाले हैं। और यहाँ पर जो अभी हम मटन और कीमा हम लेकर आए थे, तो उसको जो है मैं फ्रीज़ कर दूँगी सबसे पहले,
कि सबसे पहले मैं क्या करती हूँ ना, इनको डिवाइड करके ही रखती हूँ। अगर आप मेरे व्लॉग्स देखते होंगे तो आपको पता होगा कि मैं जो है इसको डायरेक्टली फ्रिज में नहीं डालती हूँ। मुझे किस हिसाब से क्या क्या चीज़ें बनानी है वो हिसाब से जो है मैं कंटेनर्स में डालकर फिर उसको रख देती हूँ। कीमे को मैं जो है दो उसमें डिवाइड कर दूँगी, ताकि एक बार जो है कीमा बना लूँ और एक बार जो है कबाब वगैरह के लिए काम आ जाएगा, है ना। मटन में कीमा वैसे भी थोड़ा कम ही निकलता है, इतना ज़्यादा नहीं, वैसे कीमे से ज़्यादा चीज़ें जो है बन जाती हैं। और मटन में तो बस हम जो ग्रेवी वगैरह बट बना लो, बट कीमे में कैसा मज़ा आता है खाने में, है ना। तो यहाँ पर देखिए सब मैं जो है इसको सेट कर दूँगी। खाने में ऑलरेडी है ना, मम्मी के यहाँ से मैं जो है प्रॉन्स लेकर आई थी, मैं लास्ट नाइट ही आई हूँ ना, तो वहाँ पर प्रॉन्स मैंने जो लाया था तो वो अभी भी माशाल्लाह से बचा हुआ है, तो हम वही खाएंगे। और फिर यहाँ पर ना मैं राइस बना रही हूँ, राइस बना लूँगी और साथ में रोटी बना लूँगी, बाकी जो है ग्रेवी वगैरह तो है ही, तो वो इसीलिए जो है मैंने मटन और वो सब अभी नहीं बनाया। मैं सोची रात में बना लूँगी, अभी जो है उसे जो ख़त्म कर लेते हैं, और अभी टाइम भी इतना ज़्यादा नहीं था, हम बाहर गए हुए थे तो आए तो ऑलरेडी लेट हो गया था, तो ऑलरेडी 1:30 हो चुका था हमको आने में। तो फटाफट से मैंने जो है सब गोश्त वगैरह को सेट करके चावल चढ़ा दिया और रोटी बना लूँगी। और रोटी भी जो है मैं तीन ही बना रही हूँ, हस्बैंड और मेरे लिए ही, बच्चे जो है ना राइस खाएंगे, प्रॉन्स के साथ उनको राइस अच्छा लगता है। और फ़िश भी है फ्राई थोड़ी सी, तो हादी जो है मेरा बड़ा बेटा उसको प्रॉन्स इतना ज़्यादा नहीं पसंद है, तो वो फ़िश खाता है शौक़ से, तो इसीलिए मम्मी ने फ़िश भी दे दिया था मुझे। और पहले प्रॉन्स खाता था, पता नहीं क्यों अभी उसको ऐसा हो गया है कि वो प्रॉन्स नहीं पसंद करता है, पहले तो बहुत शौक से खाता था, अभी पता नहीं उसे क्या हुआ। रात में हमने प्रॉन्स खाया, उसके बाद भी माशाल्लाह से इतना बच गया था, तो वही यहाँ पर जो है मैं गरम कर रही हूँ। और साथ में जो है मैं एक हाफ़ फ्राई भी तल लूँगी बच्चों के लिए, अगर उनको लग गया तो वो हिसाब से, और फ़िश तो है ही है। और ये बटर चिकन भी रखा हुआ था, हस्बैंड ने शायद ऑर्डर किया होगा जब मैं नहीं थी, तो वही मैं यहाँ पर गरम कर रही हूँ। और यहाँ पर लंच जो है मैंने पूरा सेट कर दिया है। तो ये था फ्रेंड्स आज का मेरा व्लॉग, अगर पसंद आया होगा वीडियो तो फटाफट से लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।